हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोकाइंड एलसी टैबलेट की। न्यूरोकाइंड एलसी टैबलेट की अगर उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। पोषक तत्व की कमी है या विटामिन की कमी है, न्यूरोपैथी पेन है, नर्व पेन है या नसों का दर्द है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, तो इन सभी समस्याओं को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो कि विटामिन्स के कॉम्बिनेशन में होती है, जिसका काम है कि ये हमारी बॉडी के जो फंक्शन है उसे चलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। नई ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है, आयरन का एब्जॉर्प्शन करती है हमारी बॉडी में, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो ये जो टैबलेट होती है इसके कई साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं, जैसे नोजिया है, वॉमिटिंग है, हेडेक है, भूख कम लगना, डायरिया, इचिंग जैसी समस्याएं सामने आ सकती है। अब बात करेंगे इस टैबलेट को किस तरह से लेना है, तो आपके डॉक्टर ने जिस तरह से टैबलेट को लेने के लिए कहा है वैसे ही आपको लेना है। कॉमन डोज की अगर हम बात करें तो एक टेबलेट आपको डेली दिन में एक बार लेना चाहिए। इसके अलावा अपने डॉक्टर के अनुसार आप लें, खाने के बिना या खाने के बाद भी लिया जा सकता है। अगर आपके किसी तरह के एंटासिड चल रहे हैं तो इस टेबलेट को लेने के 2 घंटे पहले या बाद में लिया जा सकता है। वर्तमान में आप कोई गोली ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं ताकि वे आपका सही इलाज कर सके। टेबलेट के अगर हम कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम की अगर बात करें तो कुछ ब्रांड नेम से ये टेबलेट मिल जाती है, जैसे कार्निमेक प्लस टेबलेट है, साइनोकल एलसी टेबलेट है, केबल एलसी टेबलेट है, ट्री नर्व एलसी टेबलेट है। इसके अलावा एरिया और डॉक्टर पर इसके नाम डिपेंड करते हैं। आपके एरिया में जिस नाम से मिलती है आप उसे ले सकते हैं। टेबलेट के अगर ड्रग इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो फ्रेंड्स, ये एल कार्निटिन, एल टार्ट्रेट, मेकोबाल्मिन और फोलिक एसिड के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी होती है। ड्रग इंट्रेक्शन की अगर बात की जाए तो अगर आपको डॉक्टर ने टेबलेट प्रिस्क्राइब की है और आपकी किसी तरह की कोई दवाई चल रही है, जैसे एंटी कैंसर एजेंट हैं, ब्लड थिनर्स हैं, या गाउट की कोई दवाई है, या एंटासिड आप ले रहे हैं, डायबिटीज की अगर आप दवाई ले रहे हैं फिलहाल, तो इन सभी दवाइयों की जो जानकारी अपने डॉक्टर को जरूर देना चाहिए। अब बात करेंगे कौन सी बीमारी में ये टेबलेट आपको लेने से बचना है या अपने डॉक्टर को जरूर बताना है। अगर आपको मेल्स ऑप्शन सिंड्रोम है, कैंसर है, किडनी डायलिसिस पे है आप, अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज है, ओबेसिटी है, हाइपोकैलेमिया है, या लो पोटेशियम लेवल है आपके ब्लड में, या हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। उम्मीद है कि आज का छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।